हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं बिल्कुल अलग फ़ोटो एडिटिंग। तो आपने हर दिशा दुगन न्यू सॉन्ग तो सुना ही होगा, तो उसका पोस्ट फोटो एडिटिंग है तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए कुछ इस तरह का होने वाला है। तो मैंने पहले ये वाली फ़ोटो देखी थी, तब ये बनाई है। तो ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, पर मैंने आपके लिए इसका ट्यूटोरियल लेके आया हूँ ताकि आप भी अपनी फ़ोटो ऐसी बना सको। काफ़ी ट्रेंड पे चल रही है इंस्टाग्राम पे, अगर आप भी बनाओगे तो काफ़ी सारे लाइक्स मिल सकते हैं आपको। तो दोस्तों, अगर आपको फोटो अच्छी लग रही है तो वीडियो को पूरा देखना, एंड जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दे, एंड जो भी हमारे चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, मतलब पिकआर्ट में ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइट रूम में जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, इसे ओनली पिकआर्ट में करेंगे दोस्तों। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों हम पिकआर्ट में आ चुके हैं, तो मैंने बैकग्राउंड इसमें ले लिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का बैकग्राउंड होने वाला है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा इसका, एंड पीएनजी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो मैंने इधर पहले से कटआउट कर रखा है, तो अगर आपको कटआउट करना नहीं आता अच्छे से तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो पहले हम इसे मॉडल को लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको पहले है ना अपनी मतलब पिक को बिल्कुल अच्छे से बैठानी होगी, तभी फोटो मतलब इस पर बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आप देखते जाइए मैं कैसे कैसे बैठा रहा हूँ। तो देखिए ऊपर का हिस्सा तो बैठ चुका है, आपको नीचे देखना है कि पैरों में कैसे दिखाना है, ठीक है। तो ऊपर का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें, और हैंड दूसरे हैंड का भी हाथ रखना ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते जाइए मैं आपको कैसे सेट करता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से करना है आपको इसमें, अगर जल्दबाजी करोगे तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मैंने इस वीडियो को 2 बार बनाया है, एक बार बिल्कुल बेकार बन गई थी इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बैठ चुका है, ओके। तो अब हम जाएंगे इसके थोड़े पैरों की तरफ, ठीक है। एक मिनट की थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसे, ये हो गया। अब जाएंगे हम इरेजर पे, इरेजर पे जाके इसका हल्का हल्का वो कर देंगे ताकि ये पैरों में बेड़िया दिखे, ठीक है। हल्का इरेज करना है बिल्कुल, ज़्यादा इरेज नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ से भी कर लेंगे हम थोड़ा, तो यहाँ से भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए काफ़ी अच्छी दिख रही है फ़ोटो, एक मिनट रुकिए, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। अब देखो आपको हाथ का बहुत ध्यान रखना है, जो यहाँ पे कड़ी लग रखी है उसका हाथ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका हाथ बिल्कुल बैठ जाए ऐसा कटआउट करना है आपको भी। तो यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पीएनजी ऐड करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इसमें एक पीएनजी करेंगे ऐड करेंगे, तो कुछ इस तरह की पीएनजी होने वाली हो, ओके। तो इसको हैंड पे लगाना है इसके, एंड कुछ इस तरह से लगाना है, जूम कर लीजिएगा फोटो को। तो देखिए कुछ इस तरह से करके लगा देना है। तो ऐसे लगने के बाद देखिए इसमें जो पीएनजी है इसमें शेडो अपने आप दे रखी है, ठीक है, शेडो क्रिएट की गई है। तो इसमें आपको शेडो क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे हाथ के ऊपर हाथ बैठाना वो जरूरी है, नहीं तो वो 2 हाथ दिखेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लेना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे जूम करेंगे, एंड जो हमारा ऊपर वाला हाथ है उसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे स्टूडियो के पास से, ओके। तो यहाँ से हमारा हो चुका है ये, तो यहाँ से हम करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड टूल्स में जाएंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हमें एक पीएनजी भी ऐड करनी है, लाइट पीएनजी एक, रुकिए एक मिनट। एक लाइट पीएनजी है, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो गई लाइट पीएनजी, तो दोस्तों मिल गई लाइट पेन जी, ठीक है। इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से लगा देना है, एंड इसे कर देना है ब्लेंड मोड पे स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद इसको ऐसे सेट कर देना है कुछ इस तरह से कि ऊपर से रोशनी पड़ रही है फेस पे। उसके बाद जाएंगे हम ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी थोड़ी, ठीक है, 50 के आसपास रखनी है, एंड यहाँ से कर देना है हमें राइट क्लिक, ओके। तो यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एडजस्ट में, ओके। एडजस्ट में जाने के बाद हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे हल्की, उसके बाद जाएंगे हम कॉन्ट्रास्ट पे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे इसकी थोड़ी, 5 पे, 6 पे, 12 से 20 से नीचे रखनी है, ठीक है, हर चीज़ को।
लेकिन आपको अगर अपनी फ़ोटो में कुछ ज़्यादा वो कर पाएँ तो आप बढ़ा सकते हो। सैचुरेशन देख लीजिए आप, हाईलाइट इसकी कम कर देंगे। ओके, तो शेडो पे जाएंगे, शेडो इसकी कम कर, हल्की सी कम करें, बढ़ा देंगे मतलब टाइम पे इसका बढ़ा देंगे। तो देखिए हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी बन चुकी है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बन चुकी है मेरी फ़ोटो। तो हम इसे ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लेंगे, तो यहाँ से हम सेव कर लेंगे ताकि इसकी क्वालिटी ना फटे। तो दोस्तों कितनी अच्छी दिख रही है मेरी फ़ोटो देखिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।